हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर स्पेशल DIY। इस DIY के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है। दोनों इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल हैं, तो अगर आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स सूट कर जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, बिकॉज आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बट अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट सूट नहीं करता है तो आपको ये वाला DIY अवॉइड करना पड़ेगा। मैं आपके लिए कोई और DIY आगे की वीडियोज़ में लेके आऊँगी। प्लस मैंने एक DIY ऑलरेडी शेयर किया है, कॉफ़ी मास DIY, तो अगर आपको वो सूट करता है तो आप वाला DIY भी अपने लिए ट्राई कर सकते हो। बट आज का जो DIY है वो ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, बट अगर आपकी स्किन ज़्यादा ठंड की वजह से काली पड़ गई है तो आपकी स्किन को ये ब्राइट भी करेगा। और सिर्फ एक ट्राई के बाद आपको देखने को मिलेगा अपनी स्किन में डिफरेंस, ठीक है। सिर्फ एक ट्राई के बाद आपको अपनी स्किन ग्लोई और सॉफ्ट सपल नज़र आएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन का जो डार्क कलर है वो भी हट जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको दिखेगी। सो गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन विंटर में ड्राई और डल होने से आप बच जाओ और आपका स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो आपकी स्किन में ही बना रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि कभी भी आप नहाओ तो आप बहुत ज्यादा गर्म पानी नहाने के लिए या अपना फेस वॉश करने के लिए यूज ना करो। आपको सिर्फ गुनगुना पानी यूज करना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा ठंड भी ना लगे और आपकी स्किन ड्राई आउट होने से भी आप बच जाओ। नेक्स्ट थिंग, आपको 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर विंटर्स में भी पीने हैं। गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग आ रही होती है और प्यास लग रही होती है, तो हम कहीं ना कहीं पानी पी ही लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें प्यास नहीं लगती, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी पानी पीना बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर आपको डेली पीना है। नेक्स्ट थिंग, एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, और इतना वॉक करना है कि आपकी स्किन से स्वेट आपका निकले, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतना क्या होगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई नजर आएगी। नेक्स्ट थिंग, आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी नहाओ तो उससे पहले आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो 5-10 मिनट, और नहाने के बाद भी आपको सेम वही करना है, 5 से 10 मिनट मॉइस्चराइजर से या कोकोनट ऑयल से आपको मसाज करनी है। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है कि जब भी आप धूप में बैठो, तो विंटर्स में क्या होता है, धूप में बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हमको टैनिंग नहीं हो रही है, बट हमको विंटर्स में भी टैनिंग हो रही होती है। तो कोई भी सनस्क्रीन आप लगा लो और उसे लगाने के बाद ही आप बाहर बैठो। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको विंटर्स में ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या है वो DIY जिसके सिर्फ वन यूज़ के बाद ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। गाइज, ये वाला DIY बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून कर्ड और 1 स्पून रॉ हनी। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अपने पूरे फेस के ऊपर हम लगा लेंगे। सो गाइज, ये वाला जो DIY है इसको आपको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अपने फेस के ऊपर लगाना है, और लगा के आपको 20 मिनट के लिए इसको यूँ ही लगा के छोड़ देना है। गाइज, हनी में होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, तो अगर आपको पिम्पल्स की प्रॉब्लम है तो ये उसे रिड्यूस करेगा, और जब आप इसमें कर्ड मिला लेते हैं तो इसकी मॉइस्चराइजिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई लगता है। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने लगा लिया है कर्ड और हनी का पेस्ट, और अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया और मेरी स्किन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा टाइट और ग्लोई नज़र आ रही है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।